डॉक्टर मधु सिंह, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है यूरोप में फिशिंग और डेयरी इंडस्ट्री के बारे में। फिशिंग जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हम कह सकते हैं, आर्थिक क्रिया है, और यूरोप के लिए तो ये और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरोप का जो अधिकतर भाग है वो किसी सागर और सम महासागरीय क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। और इसके साथ ही साथ यूरोप के जो अधिकतर देश हैं वो भी इनसे जुड़े हुए हैं। तो यूरोप की अर्थव्यवस्था में फिशिंग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं, एक्टिविटी है। और यूरोपीय जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपीय देश हैं, वो विश्व का लगभग 20% जो है मछली का उत्पादन करते हैं, और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है मछली का उत्पादक देश है, विशेष करके जो उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देश हैं। और उसके अलावा जो मेडिटेरेनियन रीजन है वो भी इसके उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जिसमें कि हम देख सकते हैं नॉर्वे है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्पेन है, यूके है, फ्रांस है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये मछली उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है यूरोप में। इनमें भी नॉर्थ ईस्ट जो अटलांटिक फिशिंग रीजन है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं कि फिशिंग ग्राउंड है, जो कि नॉर्थ आर्कटिक सर्कल से लेकर मेडिटेरेनियन तक जो है फिशिंग का बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि क्षेत्र है नॉर्थ वेस्ट यूरोप में। तो यहाँ पर एक बहुत ही गहन रूप से या बहुत ही लार्ज स्केल पर जो है फिशिंग इंडस्ट्री विकसित हुई है, विशेष करके नॉर्थ सी जो है, हम देख सकते हैं ये वाला जो भाग है, ये जो क्षेत्र है उत्तरी सागर का, यहाँ पर जहाँ पर कि फिशिंग जो है नॉर्वे, ब्रिटेन, डेनमार्क, जर्मनी, ये वाला जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें ये भी आ जाते हैं, ब्रिटेन भी आ जाता है, फ्रांस, जर्मनी, ये वाले कंट्रीज़ भी आ जाते हैं, स्पेन, जर्मनी, जहाँ पर कि मछली पालन के बहुत अधिक विकसित होने का एक कारण ये भी है कि इन क्षेत्रों में जो है कृषि भूमि की जो है बहुत कम है, और यहाँ पर बहुत बड़े, हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े क्षेत्र हैं, जैसे डॉगर बैंक है ये जो है, और ग्रेट फिशर बैंक है उत्तरी सागर में, ये जो ये वाला क्षेत्र है उत्तरी नॉर्थ सी का यहाँ पर, और बहुत ही बड़ा एक, हम कह सकते हैं, कटाफटा कोस्टल एरिया यहाँ पर देखने को मिलता है शैलो वाटर का, जिसमें कि गर्म दल ठंडी क्लाइमेट होते हुए भी गर्म जल धारा बहती है, और जब ठंडी और गर्म दोनों चीज़ें मिलती हैं तो उसमें मछलियों का जो एक विशेष भोजन होता है जिसे प्लैंकटन के नाम से जाना जाता है, तो वो यहाँ पर अधिक मात्रा में विकसित हो जाता है। इस वो भी मछलियों के उत्पादन के लिए एक यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। और कटी फटी, हम कह सकते हैं, ब्रोकन कोस्टल लाइन है, और बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जो बंदरगाह है वो भी शीत ऋतु में जो है वार्म करंट के कारण खुले रहते हैं, और क्योंकि यहाँ से एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो एक गर्म जलधारा के रूप में चलती है। तो ये बहुत सारे यहाँ पर फैक्टर्स हैं जिसके कारण कि यहाँ पर जो है मछली उत्पादन या जो फिशिंग है वो लार्ज स्केल पर या बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है।
और उसके पीछे एक कारण ये भी है कि कृषि भूमि की कमी है और कुछ क्षेत्र जो है हिली होने के कारण वहाँ पर फॉरेस्ट रिसोर्स जो है वो ज़्यादा डेवलप हुआ है कृषि के बजाय, तो वो भी एक कारण है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बड़े बड़े जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी भी हैं जहाँ पर कि इसकी डिमांड जो है हमेशा बनी रहती है। हम कह सकते हैं कि यूज कंज्यूमिंग मार्केट है और इजी जो है एक्सेसिबिलिटी है वहाँ पर पहुँच भी, क्योंकि रेल, रोड, वाटर, वाटरवेज यहाँ पर बहुत ही अधिक विकसित अवस्था में है। इसके साथ ही तकनीकी ज्ञान के विकास के कारण भी और तथा अधिक मात्रा में पूंजी की उपलब्धि भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा इसको इनकरेज करने वाला एक कॉमर्शियल फैक्टर है। इस कारण हम देख सकते हैं बाल्टिक सी है यहाँ पर और नॉर्थ सी है और नॉर्वेजियन बे ऑफ बिस्के है, ये वाला जो क्षेत्र है बे ऑफ बिस्के का, यहाँ बिस्के की खाड़ी है, यहाँ पर जो है फिशिंग जो है बहुत अधिक विकसित हुई है। तो ये कुछ कारण ऐसे हैं यूरोप में जिसके कारण यहाँ पर हम कह सकते हैं मछली पालन जो है बहुत ही एक डेवलप या विकसित अवस्था में देखने को मिलता है, और उसके पीछे कई कारण भी हैं। लार्ज पॉपुलेटेड एरिया भी है ये क्षेत्र, और उसके अलावा और भी सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर जो मछलियाँ विशेष रूप से जो पकड़ी जाती हैं या जो मिलती हैं उनके भी कई सारी वैरायटी यहाँ पर देखने को मिलती है। कॉड है, हेरिंग है, सार्डिन है, मैकरल है, वो ये यहाँ की मेन जो है मुख्य स्पीसीज है जो कि इन क्षेत्रों में विशेष रूप से देखने को मिलती है। इसके अलावा ब्रिटेन, डेनमार्क, आइसलैंड, स्पेन जो है वो अन्य मुख्य फिशिंग के क्षेत्र हैं यूरोप में, तथा यहाँ से लगभग देखा जाए तो मछली का जो उत्पादन है वो 20 लाख मैट्रिक टन डेनमार्क से प्राप्त होता है, 15 लाख मैट्रिक टन आइसलैंड से, 13 लाख टन स्पेन से, 83 लाख टन यूके से, और 8 लाख टन हम कह सकते हैं फ्रांस से, और नॉर्वे बहुत अधिक इसमें महत्वपूर्ण है जहाँ से कि लगभग 25.5 लाख मैट्रिक टन मछली का उत्पादन जो है प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। इसके बाद जो ब्रिटेन में एक और चीज़ विकसित हुई है वो है डेयरी डेवलपमेंट, यानी डेयरी। बहुत सारे यूरोप के जो कंट्री है जिन्हें हम डेयरी कंट्री के नाम से भी जानते हैं, डेयरी जो उद्योग है यहाँ पर मिश्रित कृषि के साथ में विकसित हुआ है लगभग सभी यूरोपीय देशों में, जहाँ पर कि ठंडी और नम जलवायु है वहाँ पर, और जहाँ जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है, लार्ज डेंस अर्बन पॉपुलेशन है, और परिवहन के साधनों का जिसमें कि रेल और रोड ट्रांसपोर्ट है उनका अधिक विकास हुआ है, फिर और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है जिसके कारण कि अच्छी नस्ल की यहाँ पर अधिक दूध देने वाली जो है कह सकते हैं हम कैटल ब्रीड्स यहाँ पर विकसित की गई हैं, और इसके अलावा एक कारण और है रेफ्रिजरेशन और मैकेनाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल मतलब व्यापारिक डेयरी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन के रूप में यहाँ विकसित हुआ है, और इन सब से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेचुरल यहाँ पर चारागाह या पास्चर जो है वो भी इसके लिए एक हम कह सकते हैं फेवरेबल जो है दशा उत्पन्न करते हैं, फेवरेबल कंडीशन है इसके विकास के लिए, जिसके कारण कि लार्ज स्केल पर डेयरी उद्योग यूरोप में विकसित हुआ है।
डेयरी उद्योग का विकास जो है अधिकतर फ्रांस, जर्मनी एंड जहाँ पर कि व्यापारिक रूप में विकसित है, और इसके अलावा हम डेयरी कंट्री जिन्हें कहते हैं डेनमार्क, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी में भी ये अधिक बहुत अधिक विकसित है, ये वाले जो क्षेत्र हैं डेयरी कंट्री के नाम से। और डेनमार्क, नीदरलैंड और इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो अधिकतर डेयरी पर ही आधारित है, और तथा बड़ी मात्रा में यहाँ से अच्छी क्वालिटी का बटर, चीज़ जो है वो भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है। नीदरलैंड का एडम्स एंड ग्रैंड ब्रांड्स ऑफ बटर जो है वो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है एडम चीज़ के नाम से। और स्विस हाईलैंड जैसे हम जानते ही हैं कि कॉमर्शियल डेयरिंग के लिए स्विट्ज़रलैंड बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और यहाँ पर जो है अधिकतर चीज़ हम कह सकते हैं कंडेंस मिल्क, और हम आप सब जानते ही हैं कि स्विस चॉकलेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सारे विश्व में जो है इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह ही नॉर्मेंडी है जो कि बटर और बटर के लिए प्रसिद्ध है, और फ्रांस जो है चीज़ के लिए फेमस है विश्व में, और चेशायर है, एल्बरी है यूके के, जो ये भी जो है डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। डेयरी इंडस्ट्री का विकास यहाँ पर भी हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि यूरोपीय देशों में फ़िशिंग और जो डेयरी है उसका डेवलपमेंट बहुत अधिक हुआ है।